राधे राधे प्यारे साथियों, मैं प्रद्योत स्वागत करता हूं आपका प्रद्योत गुरुकुल में। आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल और हम लेकर आए हैं आज बेहतरीन कंटेंट वाली क्लास। बेहतरीन कंटेंट वाली क्लास में आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं नई पुस्तकें एवं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तकें। नई पुस्तकें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हम पढ़ेंगे और ट्रिक से इन्हें याद भी करेंगे। 2023 में प्रकाशित नई पुस्तकें और इम्पॉर्टेंट पुस्तकें कौन कौन सी हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। और आज हम चर्चा के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण उपन्यास, अर्थात 2023 में प्रकाशित महत्वपूर्ण उपन्यास। और ये उपन्यास नए हैं और इम्पोर्टेंट वाले भी हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, ये ट्रिक से, ठीक है, ट्रिक से। और ट्रिक से पढ़ेंगे तो नई किताबें हमें याद हो जाएंगी। वैसे नई किताबें याद नहीं होती हैं, आपको सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिखा हुआ सही से दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। चलिए चलिए भाई, अब देखते हैं। देखिए, नई पुस्तकें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तकें, विधा उपन्यास, उपन्यास विधा की सारी पुस्तकें हैं। सबसे पहले आज की इस क्लास की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक, ठीक है, अर्कदीप। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये 2023 में प्रकाशित हुई है। ये कब हुई है, 2023 में, ठीक है। अर्कदीप इसका नायक है और इसकी नायिका कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। उषा प्रियंवदा का ये उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, मोस्ट उपन्यास है, ठीक है। नायक के नाम पर ही ये नाम रखा गया है, अर्कदीप। अगला है दुखग्राम। अब देखो, दूसरा है दुखग्राम। ये दुखग्राम उपन्यास है, ये चंद्र किशोर जायसवाल ने लिखा है, ठीक है, चंद्र किशोर जायसवाल। अब देखो, दुखग्राम हम याद कैसे करेंगे, चंद्र किशोर, ठीक है। चंद्र बेचारा दुखी रहता है, चंद्रमा बेचारा दुखी रहता है, क्यों, क्योंकि उसके चेहरे पर दाग है, और जिसके चेहरे पर दाग होता है उसे दुख रहता है, हर समय ये लगता रहता है कि हमारे चेहरे पर दाग है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा याद रखेंगे, दुखग्राम, दुख का गांव है चंद्रमा, ठीक है। आगे पकवा इनार के भूत, पकवा इनार के भूत ये उपन्यास विधा है, पकवा इनार के भूत, और राम कठिन से हैं, ठीक है। तो कठिन से याद रखेंगे, कठिन भूत कैसे होते हैं, कठिन होते हैं, ठीक है। भूतों को मनाना, भूतों से मिलना, भूतों की बातें करना, ये सब कठिनता का प्रतीक हैं, ठीक है, डरावने होते हैं। इसलिए भवभूत कथा ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2023 की प्रकाशित बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। भवभूत कथा महेश कटारे, ठीक है, भवभूत कथा महेश कटारे, ये हमने पहले चर्चा कर ली है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। भवभूत कथा किनकी है, ये महेश कटारे की है, ठीक है, भवभूत कथा बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं, अब आगे है जाली किताब। अब जाली किताब किसकी है और याद कैसे करेंगे, तो जाली किताब कृष्ण कल्पित। अब देखो, कल्पित, कल्पित से हम याद करेंगे, कल्पित का मतलब है वास्तविकता से दूर, कल्पना में हो जो, तो जो कल्पना में होगी किताब वो कैसी होगी, वो जाली ही होगी, जो कल्पना में होगी, कल्पना की होगी, वो जाली होगी, ठीक है। और कल्पना मिश्रित कर देने के कारण पृथ्वीराज रासो को भी जाली ग्रंथ कहा, किसने कहा, आचार्य शुक्ल जी ने, उसमें कल्पना का मिश्रण है, उसकी तिथियां मेल नहीं कर रही वास्तविकता से, ठीक है, उसके पात्र मेल नहीं कर रहे, तो क्या हो गया, जाली, कल्पित के कारण जाली हो गया। तो जाली किताब कृष्ण कल्पित, ठीक है। महाब्राह्मण, महाब्राह्मण, ठीक है, महाब्राह्मण, तो महाब्राह्मण ये किसकी रचना है, ये, ठीक है, त्रिलोकनाथ पांडे की। जो महाब्राह्मण होगा वो तीनों लोकों का क्या होगा, स्वामी हो जाएगा, त्रिलोकनाथ, त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों का स्वामी महाब्राह्मण माना गया है, ठीक है। तो महाब्राह्मण कौन है, त्रिलोक स्वामी, त्रिलोकनाथ है, ठीक है, याद हो गया होगा, याद कर लेंगे। अगला है महत्वपूर्ण है, माधोपुर का घर, माधोपुर का घर त्रिपुरार शरण, ठीक है, माधोपुर का घर, घर में कौन आता है, शरण, शरण, शरण कहाँ लेते हैं, घर में, त्रिपुरार, त्रिपुरारी कहाँ शरण लेते हैं, त्रिपुरारी घर में शरण लेते हैं, माधोपुर के घर में, त्रिपुरारी माधोपुर के घर में शरण ले रहे हैं, त्रिपुरारी ने माधोपुर के घर में शरण ली। कैद बाहर,
कैद बाहर, ठीक है। ये देखो बहुत महत्वपूर्ण है, गीता श्री का उपन्यास है, ठीक है। किनका है? गीता श्री का। अब याद कैसे करेंगे? ठीक है, गीता ने, श्री का मतलब लक्ष्मी, श्री का मतलब क्या है? लक्ष्मी। गीता ने लक्ष्मी को कैद कर दिया है, और लक्ष्मी को हर कोई कैदी करता है, कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्मी आए, धन दौलत आए, और उसे अंदर बक्से में, अंदर जहाँ भी आपकी जगह है रखने की वहाँ रख दें, तो क्या है? लॉकर में। तो कैद बाहर, कैद कौन है? लक्ष्मी, ठीक है। गीता श्री, गीता ने लक्ष्मी को कैद कर दिया। अगला, अगम बहे दरिया, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा कर चुके हैं हम लोग। अगम बहे दरिया, ठीक है, शिव मूर्ति का उपन्यास है, बहुत शानदार है, ठीक है। अगला है तथागत फिर नहीं आते, तथागत फिर नहीं आते, प्रदीप गर्ग, प्रदीप गर्ग, ठीक है, प्रदीप गर्ग, तथागत फिर नहीं आते। प्रदीप का मतलब होता है दीपक, प्रदीप्त होने वाला, और ये जो दीपक होता है वो फिर नहीं आता, दिन हो जाए तो फिर चला जाता है, ठीक है। रात में ही दीपक का, अब तो दीपक कहीं प्रयोग में ही नहीं आते हैं, अब तो इतना चारों तरफ बिजली लाइट की सुविधाएं हो गई हैं, तो दीपक फिर नहीं आते। तथागत फिर नहीं आते किसने लिखा है? प्रदीप गर्ग ने, प्रदीप ने, ठीक है। आगा, आलोकुठ, आलोकुठी विजय गौड़ की रचना है, आलोकुठी, ठीक है, किसकी है? विजय गौड़, सही दिख रहा है, आलोकुठी, ये विजय गौड़ की रचना है, ठीक है। विजय होने पर, जिनकी विजय हो जाती है उनके जीवन में आलोक ही आलोक हो जाता है, चाहे विजय राजनीति में हो, चाहे विजय परीक्षा में हो, चाहे विजय नौकरी में हो, किसी भी क्षेत्र में जिसकी विजय होती है उसके घर में, उसके जीवन में आलोक ही आलोक हो जाता है, ठीक है। तो आलोक उठी क्या हो गया? विजय गौर। अगला, मृत्यु और हंसी, मृत्यु और हंसी, ठीक है, मृत्यु और हंसी, ये किनकी है? प्रदीप अवस्थी की है, ठीक है। ये प्रदीप गर्ग थे, तो गर्ग को आप अलग रखेंगे, तथागत फिर नहीं आते, ठीक, और प्रदीप अवस्थी ये अलग हैं। तो प्रदीप अवस्थी का उपन्यास मृत्यु और हंसी, ठीक है। तो जो प्रदीप अवस्थी हैं वो क्या है? मृत्यु और हंसी। प्रदीप मृत्यु में और हंसी में, दोनों में एक जैसा रहता है दीपक। अंतिम अध्याय, अंतिम अध्याय, ठीक है, इम्पोर्टेंट रचना है, अंतिम अध्याय महत्वपूर्ण रचना है, किनकी है? रामधारी सिंह दिवाकर, रामधारी सिंह दिवाकर, ठीक है। ये दिनकर नहीं है, ध्यान रखना, रामधारी सिंह दिवाकर का ये उपन्यास है, अंतिम अध्याय, महत्वपूर्ण उपन्यास, ठीक, अंतिम अध्याय, रामधारी सिंह दिवाकर, ठीक। अगला है जंगली फूल, जंगली फूल उपन्यास किसका है? जोराम यालाम नाबाम, ठीक है, जोराम यालाम नाबाम, जंगली फूल, नाम भी जंगली है, ठीक है, हम बस ऐसे ही ट्रिक के लिए कह रहे हैं, जोराम यालाम नाबाम, जंगली फूल, ठीक है, जोराम यालाम नाबाम का जंगली फूल, वैशाली नामा महत्वपूर्ण, ठीक है, वैशाली नामा उपन्यास, और इसमें पूरा नाम क्या है? लोकतंत्र की जन्म कथा, वैशाली नामा लोकतंत्र की जन्म कथा, ये किनका है? प्रभात प्रणीत का उपन्यास है, ठीक है, वैशाली नामा लोकतंत्र की जन्म कथा, ठीक है, प्रणीत, प्रभात प्रणीत की ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, वैशाली नामा, ठीक है, और पूरा नाम क्या है? वैशाली नामा लोकतंत्र की जन्म कथा। अगला है साल डुमरी का घायल सपना, साल डुमरी का घायल सपना, ठीक है। अब मनोज, मनोज का मतलब क्या होता है? मनहा धनंजय कामदेव, भगवान शिव ने क्या किया? भस्म कर दिया, तो कामदेव कैसा हो गया है? घायल। साल डुमरी का घायल सपना, कामदेव के सपने घायल हो गए सब, ठीक है, तो ये याद रखेंगे इस तरह से। तुम्हारी औकात क्या है? पीयूष मिश्रा, बहुत बढ़िया, खुद के मुंह से कह लो तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा कह दे तो बहुत बुरी लग जाती है, अपने आप से कह लो कि तुम्हारी औकात क्या है तो कोई बात नहीं, तुम्हारी औकात क्या है पीके तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा कह दे कि तुम्हारी औकात क्या है पीके तो बुरी लग जाएगी, हालांकि हमें नहीं लगती है लेकिन अधिकांश लोगों को बुरी लग जाती है, कोई भी कह दे हम तो सहन कर लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हारी औकात क्या है? पीयूष मिश्रा, पीयूष मिश्रा पूरा नाम है, तुम्हारी औकात क्या है? पीयूष मिश्रा,
इसके लेखक भी पीयूष मिश्रा हैं, ठीक है, बहुत चर्चित लेखक हैं ये, इनकी बहुत अभी पुस्तक मेला लगा था एटा में, तो हम वीडियो भी लेकर आए थे पुस्तक मेला की, बनाई थी लेकिन हम आपको अभी दे नहीं पाए हैं। और पुस्तक मेला में पीयूष मिश्रा की बहुत सी किताबें थी, बहुत अच्छी अच्छी किताबें थी, तो पुस्तक मेला में हमने इन्हें बहुत अच्छे से देखी इनकी किताबें। तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा ये कहते हैं, ठीक है, मोक्ष वन बहुत महत्वपूर्ण, मोक्ष वन, मोक्ष वन पूरा नाम क्या है, मुक्त की कामना से भटकते सफेद पुतलों की त्रासद कथा। सफेद पुतलों में घूमते हुए जो लोग हैं उनके मोक्ष वन की कथा है, भगवान दास मोरवाल, ये लेखक भी आपने सुने होंगे, ठीक है, आपके परिचित होंगे, आपने यदि इनकी कोई रचना पढ़ी है तो फिर आप कमेंट करके बताइए, भगवान दास मोरवाल, ठीक है, नाम सुना है तो आप बताइए भगवान दास मोरवाल। ये देखो आकाश चंपा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आकाश चंपा, ठीक है, उपन्यास है, किस विधा की रचना है ये, उपन्यास विधा की है, और किनका है, संजीव का, संजीव की रचना वैसे भी परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती हैं, बहुत आई हैं, तो आकाश चंपा संजीव, आकाश चंपा से संजीव हो गए, संजीव का मतलब होता है पुनः जीवित, और आकाश में जो चंपा का फूल खिला उससे क्या हो जाता है, संजीव, संजीवनी मिल जाती है, पुनः जीवित हो गए, आकाश चंपा संजीव, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया है। और ये आकाश चंपा संजीव, चलिए आगे देखते हैं, 19 रचनाएं हो गई, आगे बढ़ते हैं, आगे देखो 20वां, ओरी कठपुतली, ओरी कठपुतली, ओरी कठपुतली, अंजू शर्मा, ठीक है, किसने लिखा है ये, अंजू शर्मा, अंजू शर्मा ओरी कठपुतली, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, अंजू शर्मा री ओरी कठपुतली अंजू शर्मा, ठीक है, सीधे सीधे लिख सकते हैं, ओरी कठपुतली अंजू शर्मा, ठीक, अगला अंजू शर्मा क्या है, कठपुतली, ठीक, आगे बालू रेतबा, बालू रेतबा प्रताप गोविंद गोपेंद्र का है ये, ठीक है, बालू के रेत में कौन जो प्रतापी होता है वही दौड़ पाता है, वही चल पाता है, वही बढ़ पाता है, तो बालू रेतबा प्रताप गोपेंद्र। अगला है सांवली लड़की की डायरी, सांवली लड़की की डायरी, अमित नीरव, ठीक है, किनका उपन्यास है ये, अमित नीरव का उपन्यास है, सांवली लड़की की डायरी, अमित, अमित मतलब जो मिटेन, नीरव मतलब शांत, जो शांत रहे और जो मिटेन वो क्या है, सांवली लड़की की डायरी, सांवली लड़की की डायरी ऐसी छाप छोड़ देती है जो कभी छूटती नहीं, ठीक है, और ये तो आपने डायलॉग बहुत दिनों से ही सुना होगा, बहुत बार सुना होगा कि मोहब्बत करो प्रेम करो तो सांवले रंग से करो, गोरे रंग तो बेवफा होते हैं, गोरे तो आज़ादी से पहले से बेवफा थे, ठीक है, गोरे रंग का क्या होता है, बगुला होता है, जो क्या होता है, बगुला भक्ति करता है, ठीक है, तो क्या है कि कृष्ण कैसे थे, सांवले थे, तो सांवले थे, सांवला रंग अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा रंग है, तो सांवली लड़की की डायरी अमित नीरव, मिट नहीं सकती उसकी डायरी, सांवली लड़की की जो छाप है डायरी की वो शांति से अमिट मतलब मिट नहीं सकती। अगला है महानदी, महानदी, अब इसे याद करेंगे अनिता अग्निहोत्री, ठीक है, अनिता, अनिता का मतलब अमाने नहीं, यदि हम अनीता पढ़ें इसे तो अमाने नहीं, नीता माने नीत पर चलने वाली, जो नीत पर न चले उसे अनीता कहते हैं। अब क्या है, जो नदी होती है वो कभी नीत पर नहीं चलती है, ठीक है, याद कैसे रखेंगे, महानदी कभी नीत पर नहीं चलती, क्यों, क्योंकि महानदी मान लो हिमालय से निकली या किसी पर्वत से निकली तो वो ये नहीं पूछती कि ये तुम्हारा घर है या किसका घर है, उसे जब चलना है तो जहाँ भी जो भी मिलेगा, या जब बाढ़ आती है तब तो आपने देखा ही होगा, वो रास्ता किसी से नहीं पूछती कि कहाँ गाँव है, कहाँ शहर है, कहाँ फसल है, कहाँ खेत है, कहाँ बंजर भूमि है, उसे जाना है तो जाना है, तो महानदी अनीत पर चलती है, अनीता, ठीक है, महानदी अनीता। अगला है समय की रेत पर, समय की रेत पर ज्योतिष जोशी, ये किनका उपन्यास है, ज्योतिष जोशी का उपन्यास है, महत्वपूर्ण उपन्यास है, समय की रेत पर, ठीक है, ज्योतिषी होते हैं वो समय की रेत पर आगे चलते हैं, मतलब इस तरह की भविष्यवाणियां करते हैं, आप भी
कई बार कुछ लोग ज्योतिषी के चक्कर में पड़ गए होंगे, हाथ दिखवाते होंगे कि हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कब मिलेगी। ज्योतिषी कह देगा कि हाँ बस बस मिलने वाली है, अगले वर्ष में 2024 में मिल जाएगी, तो जो मांगेगा वो दे दोगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जरूरी नहीं कि ज्योतिषी कहे वो सत्य हो सकता है ज्योतिषी या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके मन की बात कहेंगे और उनकी बात सत्य भी होती है। अधिकांशतः ऐसे कह देंगे, अरे भाई तुम सबका भला करते हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं होता, तुम्हारा कोई हित नहीं चाहता, तो ये सब पर शत प्रतिशत बात फिट हो जाती है। तुम्हारे पास धन आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो ये भी सब पर सत्य होती है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं सब पर लागू होती हैं, तुम्हारे अपने ही तुम्हारे लिए शत्रु बन गए हैं, तुम्हारे अपने ही तुम्हारा अहित चाहते हैं, तो ये भी सब पर लगभग सत्य होती है। तो इस तरह की बातें जो किसी कह दें तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तो क्या है कि पता नहीं लगेगी कि नहीं, नौकरी पढ़ोगे तो अवश्य लगेगी, लेकिन ज्योतिषी के कहने से, मंदिर जाने से या कहीं और इस तरह की कार्य करने से लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है, उसका तो कुछ नहीं कहते। लेकिन परिश्रम मेहनत कभी जाती नहीं बेकार किसी की, मेहनत कभी जाती नहीं, पत्थर कभी सुनता नहीं फरियाद किसी की, पत्थर कभी सुनता नहीं फरियाद किसी की, और मेहनत कभी जाती नहीं बेकार किसी की। तो मेहनत करोगे तो बेकार नहीं जाएगी, ठीक है। अगला है बैल की आंख, संतोष दीक्षित, ठीक है। बैल की आंख संतोष दीक्षित का उपन्यास है, संतोष दीक्षित, बैल की आंख, बैल की आंख देखकर संतोष कर लिया। अगला है समुद्र मंथन का 15वां रत्न, ये फिर से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। समुद्र मंथन का 15वां रत्न, समुद्र मंथन का 15वां रत्न, ठीक है। तो संजीव का है 15वां रत्न, संजीव, संजीव याद कैसे रखेंगे, अभी बताया था पुनः जीवित होना, अमृत, पुनः जीवित लोग कैसे होते हैं, समुद्र मंथन से क्या निकला, संजीव निकला, मतलब संजीवनी निकली। अगला है ए मेरे वतन, ए मेरे वतन या ए मेरे वतन, राजू शर्मा, ए मेरे वतन किनका उपन्यास है, राजू शर्मा का है, राजू शर्मा का ये उपन्यास है, ठीक है। तो ये 27 रचनाएं हो गई, 27, ठीक है। ये पूरी क्लास यहीं पूरी होती है, और इसकी PDF चाहिए आपको, PDF इन सारी रचनाओं की, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। PDF के लिए आप किससे जुड़ें, टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, प्रद्योत गुरुकुल, PRADYOT, प्रद्योत गुरुकुल, जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का है, प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस टेलीग्राम चैनल पर हम देंगे आपको इसकी PDF, और 9758-43-28-87 ये नंबर है, मोबाइल नंबर वार्ता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हमने आपको दी, उपन्यास विभाग की अधिकांश रचनाएं 2023 में प्रकाशित हैं, और परीक्षाओं में नवीनतम रचनाएं जो आती हैं वो हमेशा गलत होती हैं 99% विद्यार्थियों की, ठीक है। तो महत्वपूर्ण पुस्तकें हमने आपको 27 दे दी, ठीक है। हो सकता है इसमें से कोई आ जाए, ना आए, आए ना आए ये तो पता किसी को नहीं है, लेकिन हमारा काम क्या है, अधिक से अधिक पढ़ने का, अधिक से अधिक सीखने का, अधिक से अधिक जानने का, और उसे आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो नया और कुछ ना कुछ तो अधिक पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब मेहनत कर रहे हैं, आयोग भी तैयार हो गया है, तैयार हो रहा है, ठीक है, मोहर लग गई है नियमावली पर, तो प्रोसेस भी बदल गई है, 90% अंक रहेंगे लिखित परीक्षा के, और 10% अंक रहेंगे इंटरव्यू के, ठीक है। जिन परीक्षाओं में साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, तो अब लिखित परीक्षा का महत्व ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, पद होते हैं 400, 500, 1000, 2000, और फॉर्म भरे जाते हैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो लाखों में से हजारों में और लाखों में से सैकड़ों में चयनित होने के लिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आप परीक्षा दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, जहाँ लाखों की भीड़ हो वहाँ से हजारों या सैकड़ों में चयन होना हो, जैसे अभी RO AR का भी फॉर्म भरे गए, विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे तो लगभग 15 लाख फॉर्म भरे गए हैं, पद कितने हैं, लगभग 400, अब 15 लाख में से 400 का चयन होना, आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बेरोजगारी है।
तो जो सब पढ़ रहे हैं वही तुम पढ़ोगे तो फिर कहाँ रहोगे, तो भीड़ में रहोगे। उससे ज़्यादा भी पढ़ना है, उससे अच्छा भी पढ़ना है, उससे ज़्यादा अभ्यास भी करना है, अच्छी पुस्तकें भी पढ़नी है, अच्छे गुरुजनों से भी पढ़ना है, आशीर्वाद भी लेना है। ठीक है, सफलता के लिए सिर्फ परिश्रम ही ज़रूरी नहीं है, माता पिता का आशीर्वाद भी होना चाहिए, गुरुजनों का आशीर्वाद भी होना चाहिए। ठीक है, अच्छी भावनाएँ, अच्छे विचार, अच्छे व्यक्ति भी होना चाहिए। सफलता पानी है आपको तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलिए मिलते हैं फिर से, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे राधे कहते रहें। जय हिंदी, जय भारत।